हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन आया है आरबीआई मींस की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आई है वैकेंसी, उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक वैकेंसी आई है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसमें आप 7 जनवरी मीन्स की 7 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका था, और इसके बाद आपका जो है ऑफिशियली इसका अनाउंस भी किया जा चुका था। लेकिन शायद अगर आप लोगों के किन्हीं को नहीं पता है, तो इसका जो है 7 जनवरी से ही आपका ऑनलाइन शुरू है। ठीक, अभी से अब आपके पास 10 डेज़ बचते हैं, और इस 10 डेज़ में अगर आपने अप्लाई कर दिया तो अच्छी बात है, कहीं मिस ना कर जाए, इसलिए मैं आप लोग को इस नोटिफिकेशन को आप लोग तक शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, तो नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, लेकिन फिर भी मैं लेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा, लेकिन फिर भी अभी है आपके पास 10 डेज़, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जॉब की बात करें, लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज़, टोटल वैकेंसीज़ की बात यहाँ पे की जाए तो 24 है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं कि www.rbi.org.in पर। ठीक, और लास्ट डेट है इसका 24 जनवरी 2019 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आइए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 24, और यहाँ पर जो प्रोसेस की बात की गई, वैकेंसीज डिटेल्स की बात की, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्स फॉलोइंग पोस्ट ऑफ पोस्ट टू फिल देयर वैकेंसीज, चेक द लेटेस्ट जॉब। यहाँ पे तो देख सकते हैं नीचे सभी चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। अब ये रिक्रूटमेंट जोन नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें, अगर सिविल की बात करें तो ईस्ट में 2, वेस्ट में 2, नॉर्थ में 3, साउथ में 1, सेंट्रल में 2, कुल मिलाकर 15। ठीक है, कहने का मतलब जूनियर इंजीनियर की बात करें या सिविल की बात करें, जो सिविल जो जिनका सिविल है, ठीक है, जो सिविल से हैं किए हैं उनका 15 उनके लिए पोस्ट है, और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से किया है तो देख लीजिए इलेक्ट्रिकल से करने वाले के लिए कितना पोस्ट है, टोटल 9। ठीक, तो यहाँ पे 15 प्लस 9, ठीक, ये हो गया सिविल, और ये हो गया इलेक्ट्रिकल से जो किए हैं, उनका कुल मिलाकर 24 पोस्ट है। ठीक, अब आके आके इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी डिटेल्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें, सिविल वाले के लिए क्या बात है, तो मिनिमम 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड विथ मिनिमम 65% विथ 65% जनरल कैटेगरी के लिए 65% है, बाकी आपका जो 55% SC ST PWD के लिए है, और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 55% मार्क्स, और SC ST PWD के लिए 45 है। ठीक, तो यहाँ पे आप डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और या डिग्री है जिनका, ठीक, तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के लिए 65% चाहिए, ठीक, और जो डिग्री की है उनका कितना चाहिए भाई, 55% चाहिए, तो डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए अगर डिप्लोमा आपने किया तो 65% होना चाहिए, और डिग्री आपने किया तो 55% होना चाहिए। बाकी SC ST OBC के लिए यहाँ पे देख लीजिए, डिग्री वाले के लिए यहाँ पे 45% है SC ST PWD के लिए, और 55% है डिप्लोमा के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, यहाँ पे देख लीजिए जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर में क्या है भाई, तो देखिए मिनिमम 3 ईयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ विथ मिनिमम 65%। ठीक, तो सेम चीज़ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी सेम है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा किया है तो आपका 65% होना चाहिए, और डिग्री किया है, डिग्री किया है तो इसमें 55% होना चाहिए। और बाकी SC ST वाले के लिए आपका जो है PWD के लिए 45% है, और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे 55% है। ठीक, तो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, सीट काफ़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एज लिमिट। एज लिमिट में क्या भैया, यहाँ पे देख लीजिए, जनरल और अनरिजर्व के लिए, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं 20 से 30, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 एज है। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल की छूट इसमें मिल रहा है, OBC के लिए 3 साल की मिल रहा है, और PWD वाले के लिए 10 ईयर्स का छूट मिल रहा है। और SC ST की यहाँ पर बात करें, जो PWD हैं SC ST में सिर्फ हैं तो उनको 15 साल, और OBC भी अगर PW हैं तो उनको 13 साल। ठीक, अब आगे बढ़ के और देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है भाई। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल OBC के लिए लग रहा है यहाँ पे 450 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस प्लस इंटीमेशन चार्ज के साथ, और SC ST जो PWD है, एक्स सर्विसमैन है, उनका सिर्फ लग रहा है 50 रुपीज़।
तो SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन में लिख लिया 50 रुपीज़, जनरल OBC के लिए 450 रुपीज़ लग रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी आप सबको पता है यहाँ पे कि सैलरी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि अगर पैसा स्केल की बात करें तो यहाँ पे 21,400 पर मंथ की बात यहाँ पे की गई है, जूनियर इंजीनियर की बात की गई। ठीक, इन द स्केल जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके साथ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना है तो इसके लिए विजिट करना होगा आपका और जो है RBI का ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in और इसमें सर्च करना होगा फॉर जूनियर इंजीनियर नोटिफिकेशन लिंक इन करियर या एडवर्टीजमेंट या न्यूज़ पेज पे। फिर उसके बाद करना क्या होगा, डाउनलोड या व्यू योर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट इटसेल्फ, उसको डाउनलोड करना होगा। फिर चेक एंड वेरीफाई अपना जो भी है एलिजिबिलिटी जो को चेक करें। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक पर जाइए और वहाँ पे आप क्रिएट योर रजिस्ट्रेशन और अपना फॉर्म को फिल कीजिए करेक्ट डिटेल के साथ। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर 24 जूनियर इंजीनियर जॉब बाय क्लिकिंग अप्लाई बटन, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद अपलोड फोटो साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह करने हैं। उसके बाद इंश्योर हो जाए कि आपने सब चीज़ सही किया तो उसके बाद सबमिट कीजिए और उसके बाद मेक पेमेंट कीजिए। मेक पेमेंट के बाद आप उस फॉर्म को प्रिंट लेकर फ्यूचर के लिए रख लीजिए। तो वैसे ही इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो फटाफट देर ना करें और एक बार मैं फिर से बता दूँ, जो स्टार्टिंग हो चुकी थी 7 जनवरी 2019 से ही स्टार्ट हो चुका था और लास्ट डेट अभी है 24 जनवरी। तो अभी से आपके पास 10 डेज़ हैं, फटाफट देर ना करिए और जितने भी कैंडिडेट हैं अगर डिप्लोमा वाले हैं या फिर डिग्री वाले हैं फटाफट अप्लाई कर दीजिए। लेकिन हाँ, जो है कि वहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि सिविल या इलेक्ट्रिकल वाले दोनों में से कोई एक है तो अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, शेयर तो पक्का कर देना यार, जिनको नहीं अगर पता हो वो ज़रूर फॉर्म को भर दे। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश उन्हें ध्यान नहीं पड़ता, किसी कारणवश उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है और इसके कारण वो फॉर्म भर नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और फॉर्म को ज़रूर भर पाए, इसलिए आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपना फेसबुक, अपना जो भी है आपका जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जो भी है जिस पे आप शेयर करना चाहें कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।